अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज़ाद कश्मीर है प्यारे साथियों। आज़ाद कश्मीर वालों ने जो तारीख रकम की है उसे देख के पूरा पाकिस्तान ही शस्तर है, और स्पेशली दुनिया हैरत में डूबी हुई है कि एक अलग ही रंग रूप इन लोगों का देखने को मिला है। हर जगह से एहतजाज की कॉल्स दी गई, हर जगह एहतजाज होता रहा, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक और जंगजू अंदाज जो अपनाया गया वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से अपनाया गया। हम हरगिज़ सपोर्ट इस सब चीज़ को नहीं करते, लेकिन इस सब का ज़िम्मेदार कौन है और अवाम को इस तरह बाहर निकलने पे मजबूर किसने किया, या अवाम के साथ ये बिहेवियर इख्तियार किसने किया कि वो इस कदर वायलेंट हुई। ये सवालात और इनके जवाबात की तलाश हर एक को है। बहरहाल एहतजाज किस बड़े पैमाने पे हुआ और एहतजाज के मनासिर क्या क्या थे, कुछ यहाँ आपके सामने हैं। कहीं पे अवाम की बड़ी तादाद दिखाई देती है और कहीं पे अवामी गम गुस्सा उनके अंदाज से छलकता नज़र आता है। लोगों को डिवाइड करके उन पर रूल करने का सिस्टम पूरे पाकिस्तान में रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों ने जैसे यूनाइट होके अपने कबीलों को भुला के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इससे पहले ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला था। इन लोगों के मुतालबात क्या हैं, चंद एक हम आपके सामने यहाँ रखना चाहते हैं। नंबर एक, मंगला डैम की पैदावारी लागत पर कश्मीरियों को टैक्स फ्री बिजली दी जाए। नंबर दो, आटा सब्सिडी दी जाए जैसे गलगित बल्तिस्तान के एरिया में दी जाती है, उस सब चीज़ को बहाल किया जाए। ना सिर्फ आटा सब्सिडी पे नहीं दिया जाता बल्कि बेहद महंगा दिया जाता है। मयारी और एलोकेशन के मुताबिक आटा मुहैया नहीं किया जा रहा, उसकी तरसील को भी मुमकिन बनाया जाए, यह भी एक मुतालबा है। नंबर फोर पे है, नेशनल ग्रिड स्टेशन कायम किया जाए। आज़ाद कश्मीर में डैम्स हैं लेकिन आज तक नेशनल ग्रिड स्टेशन कायम नहीं किया गया। नंबर पाँच, आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा वक्त में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, इसलिए अवामी मुतालबा ये भी सामने आ रहा है। नंबर छः, हुक्मरान तबकात की तमाम तर मरात का खात्मा किया जाए। नंबर सात, तमाम हर्डल पावर प्रोजेक्ट्स आज़ाद हुकूमत के यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तहवील में दिए जाएँ, यह भी एक मुतालबा सामने आ रहा है। अब इनमें से कोई भी नाजायज़ मुतालबा अवाम का नहीं है, वो इस मुल्क को पाकिस्तान को हरगिज़ अपनी तरफ नहीं करना चाहते, अपने हिस्से में शामिल नहीं करना चाहते। इतना ज़रूर है वो अपना हक मांग रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर से बिजली पैदा हो सकती है, आज़ाद कश्मीर से मुख्तलिफ सहूलतें ली जा सकती हैं, तो उनको भी तो सहूलतें दी जानी चाहिए। यह मुतालबा है उन लोगों का, और इस पर अगर यहाँ से ऑर्डर्स जारी किया जाए कि लोगों को गलत अंदाज में ट्रीट करो, तो उन लोगों को तो वैसे ही बहाना चाहिए। वहाँ सोच ही अलग है, वहाँ अंदाज ही उन लोगों का अलग दिखाई देता है, जो कि अफसोसनाक भी है, लेकिन ज़िम्मेदारान का तायुन किया जाना लाजिम है। आज की वीडियो आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपनी आरा भी दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।